बनाया है, जिस चीज ने तुम्हें यहां तक लाया है, आप उसको मत भूलो, उसमें खो जाओ। तो बिल्कुल सारी बिल्कुल बिल्कुल चीजें छोड़कर मैं इतने हाई स्ट्रेस में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं दिमाग को बांट रहा था वहां पे, नेट्स प्रैक्टिस कैसे, मतलब क्या किस चीज पे ज्यादा कर फोकस रहा था, करना चाहिए। नेट्स कर रहा था, रनिंग कर रहा था। देहरादून में जब एक्सीडेंट हुआ था, अरे बाप रे, अच्छा, मैं फैमिली लेकर कितनी, देहरादून चला गया अभिमन्यु एकेडमी में। हाँ जबरदस्ती जाते थे वहां पे, भागना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऐसा कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, इतना ज्यादा स्ट्रेस था। अच्छा लेकिन एक दिन जब प्रैक्टिस के बाद आया, बैठा घर में, तो वही अपना कभी भी सैड हो जाता था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो घर वाले बस वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देख, दिमाग को डाइवर्ट कर दूसरी तरफ, तभी होगा, वरना मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये मतलब सारी चीजें चल रही थी वो बीच में। अच्छा तो भैया ने बहुत साथ दिया, हालांकि मेरे दो तीन दोस्त थे वो 24 घंटे मेरे साथ रहे, हाँ सबने बहुत अच्छा मेरे लिए, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता उन लोगों को जो मेरा साथ दिया इन लोगों ने। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं कुछ कर जाता, अरे और मैं बाप रे, आज मैं जो मैंने उस इंजरी के बाद जो मैंने किया है, जो मैंने फोकस डाला है अपने क्रिकेट के ऊपर, तो ये बड़े उसके, बहुत अच्छा लोगों के लिए, ये हाँ बहुत अच्छा सीख है। जितने भी लोग यहाँ पर है अभी सुन रहे हैं, इनके लिए काफी मतलब सीखने वाली चीज है कि यार इतना जल्दी हार मत मानो, अपने आप को, अपने आप पे भरोसा रखो, फाइटिंग स्पिरिट रखो, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है, वो फाइटिंग स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी अगर आपके पास जरूर स्पिरिट होगा। यार। लेकिन उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया है कि नहीं, अब जिस चीज ने बनाया है वो ही बनाएगी मुझे, फिर उसके बाद मैंने अपना ट्रेनिंग का सेटअप किया। आपने देखा ही था पहले कि मेरा कोई टाइमिंग नहीं था किसी चीज का, कुछ नहीं था। हाँ अपने टीम में भी जब रहता था, ट्रेनर बुलाते थे तब जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि खुद से जाओ या खुद से करो। लेकिन हाँ 2016 के 16 17 18 19 और के 20, बाद ये 4 साल 5 साल जो लगाए हैं इंजरी के बाद, हाँ ये नेक्स्ट लेवल की, मैंने कभी जिंदगी में मैंने ट्रेनिंग वैसी भी नहीं की, उस टाइप की ट्रेनिंग मैंने नहीं की, क्योंकि ना कभी मैंने सोचा था। हाँ 2016 के बाद मेरे पास खुद का ग्राउंड, खुद का सेटअप, जो हमारे एनसीए में नहीं है वो मेरे पास है, आज तक अरे किसी को वाह, नहीं पता अरे बाप रे, अच्छा वेरी गुड, है। जितना बड़ा बैंगलोर ग्राउंड है और एनसीए है, उससे बड़ा ग्राउंड मैंने अपने लिए छोड़ रखा है अकेले के लिए। क्या बात है भाई। जब मैं आता हूँ तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पर, बस, और दोनों भाई करते हैं। वो ग्राउंड की साफ सफाई करवाओ, वहां पे शायद आईपीएल का मैच होगा अक्टूबर में, लग तो ऐसे ही उसकी रहा है जरूरत अभी। नहीं है भाई, उसकी जरूरत नहीं है। बस केवल अगर ट्रेनिंग के लिए मैच है, लेकिन बस ये है कि ट्रेनिंग हो जाती है। अभी पता नहीं हमारा कौन सा क्रिकेट होगा, आईपीएल होगा या हाँ वर्ल्ड कप होगा या क्या होगा, भगवान जाने, किसी को कुछ नहीं पता। जो भी क्रिकेट हो, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि क्लोज डोर पे ही होगा, बंद हाँ दरवाजे बिल्कुल, के पे होगा। तो वो यार कैसे मैनेज करोगे, मतलब कैसा उसके बारे में सोचा है कुछ ऐसे, मतलब कि कुछ असर पड़ेगा तुम्हारे क्रिकेट पे या कुछ ऐसा कुछ सोचा है तुमने? यार देखो, अब हम लोग अगर देखें इस चीज को तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंडीशन वैसी है कि हम लोग ना तो जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं, हाँ ना कुछ कर पा रहे हैं, ना ट्रेनिंग है ना कहीं कोई ट्रैवल है। अगर हमें थोड़ा सा भी ट्रैवल मिलता है तो हम लोग घर की बजाय हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाते कि हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी अंदर, वैसा भी कर हाँ ले तो भी बेटर था हमारे लिए। लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हम कहीं नहीं जा सकते, तो हम ज्यादा लंबा ना सोचकर, मेरे हिसाब से जो जो मेरी तरफ मैं सोचता हूँ कि बेस्ट वे यही है कि आप जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, अब जैसे मेरे पास है फैसिलिटी, हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे घर में खुद की चीजें हैं, हाँ तो जितना भी स्ट्रांग, जितना भी पावर, जितना भी ट्रेनिंग कर सकते हो वो कर लो। फॉर्मेट कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी होगा, हमें 10 से 15 दिन तो मिलेंगे। अरे ज्यादा मिलना चाहिए भाई, 10-15 दिन में नहीं, कैसे यार, जनरली बोल रहा हूँ, 15 दिन तो मिलेंगे। 15 दिन तो मिनिमम है भाई। हाँ, तो मेरा मानना यह है, उस चीज को ना सोचकर हम लोगों को अपनी एक्टिविटी पे सोचना चाहिए, हम लोग कैसे अपने आप को यूज टू कर सकते हैं। परेशान है, हर आदमी के पास स्पेस नहीं है,
लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि फॉर्मेट कोई भी आ जाए, अगर मैं टीम में हूँ तो मेरी वजह से कभी टीम में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इतने दिन के बाद आया है या लॉकडाउन था उसमें इसको झटका लगा है। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि जिस रिदम पे मैं छूटा हूँ, जिस रिदम पे मेरा लॉकडाउन यहाँ पे हुआ है, वही रिदम में दोबारा पास हूँ। जैसे अच्छा आपको ऐसे ही जैसे ट्रेनिंग की वीडियोस मिल रही हैं देखने, मैं डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी, तो मैं हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि और देसी वाले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हाई कट उतना हाई लेवल वाली मेरे पास मशीन ही नहीं है। तो मैं कोशिश जो कोशिश है मेरी वही है कि जो भी फैसिलिटी है मैं उसको यूज़ कर लूँ। अच्छा हाँ, अरे हाई लेवल का फैसिलिटी फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। अरे चहल, तो जा, तेरे को बोला मैंने, तो जा चुपचाप, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। बहुत लॉकडाउन में सारी सबसे ज्यादा चीजें सबसे ज्यादा परेशानी उसको ही हो रहा होगा यार। टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, मुझे तो, अरे अभी मैं मतलब मुझे पता है कि हमने क्या अच्छा किया है, बट कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें थे जहां पे हमने अच्छा नहीं किया, इसलिए हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। दूसरी चीज, कुछ कुछ जगह पे हम सीरीज जीत नहीं पाए, जैसे इंग्लैंड में, वैसे जगह पे वो सब। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब आप कैसे सोचते हो ये सब चीज? से चला गया फिर अपना, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में हम अच्छा नहीं कर पाए, टेस्ट मैच साउथ में भी, अफ्रीका और कर वनडे गए। वनडे सीरीज भी हारे हम वहां पर शायद। हाँ, साउथ अफ्रीका रह साउथ गया हमारा। अफ्रीका टेस्ट सीरीज हार गए वहां पे। एक्चुअली हम वो जीत सकते थे, बहुत बड़ा क्लोज था यार स्कोर, वो। बड़ा क्लोज था वो। हम अगर यार हमारे हम मतलब बैट्समैन ने वहां पर वो कर दिया ना यार। पता है क्या हमारे अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारी टीम का जो मैं फील करता हूँ, अब जैसे आप हो मैं हूँ या कोई भी है अभी टीम का कोई भी मेंबर है, इवन विराट को भी, अगर हमें किसी को कुछ बोलना है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि हम बैटिंग ऐसा कर सकते थे, हम बॉलिंग ऐसा कर सकते हाँ थे। इतने एक दूसरे से फ्रैंक है, इतने अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को कि कोई दिक्कत नहीं होती एक दूसरे में कहने के लिए कि हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते थे। हम थे से पहले घुस जाते हैं उसमें कि बात का नहीं सोचना है, हम ये करेंगे। हाँ बिल्कुल तो ये चीज बहुत अच्छी है। और जहां तक साउथ अफ्रीका का हम लोगों का, जो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बैटिंग में बहुत जल्दबाजी कर दी, शायद 2 या 3 बार तो हम लोगों ने साथ में बैटिंग की है बहुत जल्दी। याद है मुझे यार, वो उधर शायद हाँ तो सेंचुरियन में। हाँ हाँ तो 2 3 बार ऐसा भी हुआ कि बहुत जल्दी हम लोगों का नंबर आ गया। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग जैसे वहां पे हम लोग फ्लैंडर को सरवाइव कर गए उसको, हाँ क्योंकि हम लोगों को आदत है कितनी भी तेज फेंको हमारे बैट्समैन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो जो हल्के वाले बॉलर थे, जो मीडियम वाले बॉलर थे, उन्होंने हमें दिक्कत में डाला है हर जगह। हाँ बिल्कुल, स्विंग बॉलर। हाँ जो ऊपर से स्विंग कराने वाले थे। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग बात किए थे, कई बार इस बारे में बात भी हुई कि हम लोग फॉरवर्ड नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा वेट करके खेलेंगे, लेकिन हम लोग हाँ नहीं कर पाए। टेक्निकल थोड़ा सा वो गलत हो हाँ गया। थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल नहीं गए उसके ऊपर जो हमें जरूरत थी। नो डाउट बॉलिंग हम लोगों का बहुत अच्छा हुआ क्योंकि टेस्ट मैच को डिफेंड तो करने तुम्हें के लिए लगता कोई। है, तुम्हें ऐसा लगता है कि जब ये ऐसा टूर आता है हमको 15-20 दिन पहले जाना चाहिए, किसी भी हालत में, कुछ भी हो, चाहे जो मैं तो भी हो, बहुत हमें एग्री हूँ उस साउथ चीज के अफ्रीका। लिए कि 2 हफ्ते कम से कम देने चाहिए।
टीम को वहां पे यूज्ड टू होने के लिए, और आपको हाँ पूरी, हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है जब ज्यादा गर्मी होती है जैसे कि प्रैक्टिस मैच दे देते हैं बीच में, मैं ज्यादा प्रैक्टिस मैच का ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं ओपन नेट एक्चुअली ज्यादा मैं पसंद भी करता हूँ। उससे ज्यादा मैं भी यही पसंद करता हूँ कि ओपन नेट मिले, वहां पे हाँ, पूरा एक बार दिन हम लोगों सुबह ने, से तुम्हें लेके, याद वो होगा साउथ अफ्रीका में, शायद हम लोगों ने एक 1.5 हफ्ता पहले जाके हम लोगों ने ओपन नेट्स किए थे। बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस था एक्चुअली। वैसा ही प्रैक्टिस हमें करना चाहिए जहाँ पे 5 बॉलर लोग को बुलाया गया था बाहर से, और हाँ, तुम 4 बॉलर थे, 4 या 5 बॉलर, कंप्लीट पैकेज 10। था, नेट बॉलर्स की जरूरत नहीं थी, अच्छे बॉलर्स हमारे खुद के थे। हाँ बिल्कुल, आई थिंक और हमें ना अगर ये सब जगह पे अगर वैसे सीरीज जीतनी है ना तो हमको ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा ही करना इंग्लैंड। भी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, बेनिफिट मिलेगा हमें, जो हमारी बेंच वाली जो स्ट्रेंथ है वो और मजबूत हो जाएगी, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, उनको कंडीशन के बारे में ज्यादा पता चलेगा। इंग्लैंड का सवाल, इंग्लैंड तुम्हारे मेरे को, हाँ नहीं नहीं बताओ। इंग्लैंड वाला जो हम लोग का बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं, हम 20 रन 30 रन वाले मैच आ रहे हैं, वहां भी हमारा सेम वो हुआ, सेम गलती हम लोगों ने रिपीट की है। बहुत अच्छे हम लोगों ने मैचेस रोक के रखे थे, लेकिन वही वही सेम सेम जगह पे हम लोग लग किए कि हम लोग टेक्निकली शायद हम लोग वहां पे मिस हुए हैं। क्या मानना है हाँ आपका? तो थोड़ा थोड़ा सा, हाँ मैं तो इंग्लैंड के टूर पे था नहीं, तो मैं घर पे बैठ के देख रहा था कुछ कुछ मैचेस। मुझे भी ऐसे ही लगा कि यार वो एक दो जो क्रुशल मोमेंट्स थे गेम के वो हमारे हाथ से चले गए और उन्होंने पकड़ लिया हमें हाँ, वहां पर। वही जो मेन पॉइंट, जो मेन टाइम था, वहां पे हम लोग लैग कर गए और वो लोग कैश कर गए। हाँ बट आई थिंक हमारे पास टीम अच्छी है, हमारे पास लड़के अच्छे हैं, हम जीत सकते बाहर भी जाके। हमें बस थोड़ा कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीजें उस पर ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। और जहाँ, हाँ, मुझे जो लगता है कि हमारा जो टीम है और हमारा जो टीम का कॉन्फिडेंस है और जो एक दूसरे से बात करने का तरीका है, वो मुझे लगता है किसी टीम के पास नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन, कोई भी बॉलर हमें चैलेंज कर सकता है या हमारी टीम को चैलेंज कर सकता है। ये हमारे पास भी अभी बॉलर है ना, अगर तुम अच्छा विकेट दोगे तो हमारे बॉलर्स भी आउट करेंगे तुम्हें, ऐसा नहीं है कि नहीं सेम करेंगे। सेम हाँ ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, हम लोग कैसे सीरीज जीते, वो चारों तरफ से फंसे हुए थे, क्योंकि हाँ वो ना तो ग्रीन टॉप दे सकते थे ना टर्नर दे सकते थे, तो हाँ वो सोचने पे मजबूर थे हम देंगे क्या। तो हमारे पास वो पैकेज है, बैटिंग लो आप, फील्डिंग लो, बॉलिंग लो, कोई भी डिपार्टमेंट लो, हमारे पास फुल पैकेज है, कोई ऑप्शन नहीं है, बस हमें जरूरत है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से हम लोग कॉन्फिडेंस, तो नो डाउट कि हाँ, किसी में ऐसा कोई ऐसा है जो सोचता होगा कि मुझे वो कंडीशन चैलेंज की होगी हमारे लिए। तुम्हारे 5 मुझे बेस्ट बॉलर बताओ भाई। पांच बेस्ट